बीजेपी में गुटबाजी का शिकार हो गए मोहन यादव, रोड शो से भीड़ गायब, सिंधिया भी परेशान। 3 सप्ताह पहले ही बनी है सरकार, लेकिन जनता में नहीं दिखा उत्साह। ग्वालियर में सीएम मोहन यादव के रोड शो में नहीं दिखे लोग, कांग्रेस ने कसा तंज। ग्वालियर में एमपी के सीएम मोहन यादव का रोड शो हुआ, रोड शो में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं, इसलिए सिंधिया समर्थकों में उत्साह भी दिखाई दे रहा था। 2 सप्ताह में सीएम मोहन यादव दूसरी बार ग्वालियर आए, जो बता रहा है कि सरकार में सिंधिया का दबदबा कायम है। लेकिन ग्वालियर में रोड शो के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया तो कुछ और ही बता रही है। रोड शो में ना बीजेपी के नेता दिखे और ना ही कार्यकर्ता, और भीड़ भी गायब। जो लोग रथ पर सवार थे वो ही एक दूसरे सवाल कर रहे थे कि आखिर जहां 1 महीने पहले जनता ने पार्टी को जिताया, वहां की जनता ने अचानक मुंह क्यों मोड़ लिया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम पद संभाले 3 सप्ताह हो चुका है, उनके उच्च फैसलों से तो दिखाई दिया है कि शिवराज सिंह चौहान की छाया में काम नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर फैसले ले रहे हैं। मंत्रिमंडल में भले ही कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन उनकी भी सरकार में ज्यादा नहीं चल रही है, सिर्फ विभागीय कामों तक सीमित है। लेकिन जमीन पर अभी भी मोहन यादव का करिश्मा नहीं दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं की नजर में अभी भी मोहन यादव प्रदेश के सीएम नहीं बने हैं, और इसका एहसास उन्हें ग्वालियर में हो गया। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे थे, ग्वालियर मेले का उद्घाटन किया, लेकिन इससे पहले ग्वालियर में सीएम मोहन यादव ने रोड शो भी किया। रोड शो में सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण मौजूद रहे। सीएम का रोड शो था, इसलिए प्रशासन ने जमकर इंतजाम किए थे, भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी, लेकिन इस रोड शो में भीड़ पूरी तरह से गायब दिखाई दी। सिर्फ सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों की भीड़ दिखाई दे रही थी, आम लोग बहुत ही कम या ये भी कह सकते हैं कि दिखाई ही नहीं दे रहे थे, जो इस बात का एहसास करा रहे थे कि प्रदेश में अभी भी लोग शिवराज सिंह चौहान को याद कर रहे हैं, क्योंकि वोट प्रदेश की जनता ने शिवराज के नाम पर ही दिया था, और चुनाव के बाद शिवराज की जगह बीजेपी हाईकमान ने मोहन यादव को सीएम बना दिया। अब ग्वालियर के कांग्रेस नेता बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल तक कांग्रेस पर तंज कसती रही थी। बीजेपी नेता दावा करते थे कि 2018 में कांग्रेस ने सिंधिया के नाम पर वोट लिया था और कमलनाथ को सीएम बना दिया था। बीजेपी ये बात 5 साल तक जोर शोर से कहती रही, लेकिन अब बीजेपी ने कमलनाथ के नाम पर वोट लेकर मोहन यादव को कुर्सी सौंपी तो पार्टी के नेता शांत हो गए हैं। लेकिन जनता जरूर इस बात का एहसास करा रही है, एक और बिना किसी पूर्व सूचना के शिवराज कहीं भी पहुंचते हैं तो, और उनके आने से जैसे ही लोगों को खबर लगती है तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो दूसरी ओर मोहन यादव के रोड शो में भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव दूसरी बार ग्वालियर आए। ग्वालियर अंचल में बीजेपी की जोरदार जीत के बाद जनता का आभार प्रकट करने यहां जन आभार यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा गोले का मंदिर से शुरू हुई और काल्पी ब्रिज होते हुए 7 नंबर चौराहे तक पहुंची। यात्रा में भीड़ काफी कम दिखाई दी, बीजेपी के पुराने राजनीतिक चेहरे सामने नहीं आए और ना ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह दिखाई दिया। यात्रा के दौरान सिर्फ कुछ महिलाएं ही नजर आई और वो भी आधे रास्ते से गायब हो गई। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान सीएम के स्वागत के लिए कमी संख्या में नेता और कार्यकर्ता निकले, यही वजह रही कि सीएम के इस जन आभार यात्रा को जल्दी निकालकर इसका समापन किया गया। इस यात्रा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, खास बात यह है कि यात्रा में सिंधिया के शामिल होने के बाद भी भीड़ नहीं जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।